समाजवादी पार्टी छोड़ पूर्व विधायक उमेश चंद पांडे भाजपा में हुए शामिल। हम उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद से है जहां सपा में शामिल पूर्व विधायक उमेश पांडे का भारतीय जनता पार्टी में सदस्यता ग्रहण की है। वहीं कार्यकर्ताओं ने उनका फूलमाला पहनाकर स्वागत किया है, वहीं एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खिलाई है। मैंने उस दिन मन बनाया जब उनसे कहा इस बात को, उन्होंने कहा कि बड़ी लड़ाई जीतने के लिए कुछ वो करना पड़ता है। ठीक है, फिर मैंने नमस्कार किया और चल दिया। फिर मैं कुछ दिन और इंतजार किया। मेरा घर है, मेरा ब्लॉक है, दो दो बार मेरा भाई ब्लॉक प्रमुख, भाई भाभी ब्लॉक प्रमुख रही, हमारा प्रधान है हमारे इस में। हम लोग क्या इस लायक नहीं कि 10-5 हज़ार वोट ट्रांसफर करा सकते हैं? ऐसी हैसियत नहीं है, हैसियत पता चल जाएगी। 8 तारीख 5 को पड़ेगा तो पता चल जाएगा। मेरे भाइयों, कहने का मतलब यह है, जहां मेरे भाई का हत्यारा रहेगा वहां उमेश पांडे कैसे रह सकता, उसका प्रचार कैसे कर सकता। तो मैंने यह सोच करके फैसला लिया कि आज जो देश में, पूरे दुनिया में आदरणीय हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो डंका बज रहा है, उनके विकास के रास्ते पर, विकास के रास्ते जो खुले हैं, इसको देखते हुए और उत्तर प्रदेश में जो माफिया गर्दी और दहशत गर्दी हुआ करती थी, वो आज समापन की तरफ है। आज पूरा उत्तर प्रदेश अमन चैन की जिंदगी जी रहा है, जब चाहे कोई कहीं भी जा सकता है और बिता का सिंह। अच्छा नेताजी, चुनाव का समय है, चुनाव के समय क्यों याद आता है? अरे भाई, हमेशा याद आता है। सत्ता उनकी थी, सरकार उनकी थी, हम लोग त्राईमाम कर रहे थे। हमारे भाई की नहीं हत्या हुई है, कलाम पंचर बनाने वाले उसके लड़के की पंचर का पैसा मांगने के लिए उसकी कलाम की गोशी में हत्या की गई है। अध्यक्ष जी, है कि नहीं, सच्चाई है कि नहीं, आप पता कर लीजिए। हमारे क्षेत्र मधुबन की एक लड़की के साथ बलात्कार करके उसको बोटी बोटी काट करके नदी में फेंकवाने का भी काम इसी शख्स ने किया। इसलिए मैंने जब मैं देखा कि हमारे नेता की नियत में खोट है, मैं रास्ता अपना बनाने का काम किया और भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने का। तो कार्रवाई नहीं हुई क्या अभी तक? भाई, आजीवन कारावास की सजा हुई थी जी, सजा उन लोगों का आजीवन कारावास हुआ, फिर आ गए हैं यहाँ पे, क्या आ गए घर पे। देखिए क्या होता है, तो आ गया हूँ, तब न पता चलेगा क्या होता है। नहीं वो तो पचास जीत रहे तो पता चलेगा 8 तारीख को। जिताने के लिए मनु अंसारी आ गए, कोई आवे इससे हम लोगों को पूरा प्रदेश ही आके लग गया यहाँ पे। शिवपाल जी भी आए हुए हैं, सारे लोग आए हुए हैं, हम लोग भी लगेंगे। तो कार्रवाई के लिए क्या योगी जी से बात हुई क्या कुछ थी? सुधाकर सिंह पे कार्रवाई या उनके भतीजे भाई पे कार्रवाई के लिए बात हुई क्या कुछ योगी जी से? भाई, हम कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, सरकार को अपनी व्यथा बताए, मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद मिला, कल मैं उनसे मिला, अपनी बात रखा, उन्होंने कहा कि आप तुरंत ज्वाइन करो पार्टी, हम आपके हर सुख दुख में आपके साथ हैं। क्या बुलडोजर चलेगा? बुलडोजर चलेगा उनके ऊपर? इसकी कोई बात नहीं हुई बुलडोजर चलने की जी, बुलडोजर चलने की कोई बात नहीं हुई, ये न्यायालय में मामला है, न्यायालय सजा दिया है तो न्यायालय से हम लड़ रहे हैं, न्यायालय जो सजा फिर देगा तो देखा जाएगा अभी क्या होता है। ये तो आपको खुद ही अंदाजा लग गया होगा कि क्या होने वाला है, इसकी कोई दिशा और दशा है ही नहीं है। हर वहाँ पे कार्यकर्ता नहीं है कोई, वहाँ सभी लोग नेता हैं, कार्यकर्ता तो कोई है ही नहीं है। समाजवादी पार्टी छोड़ पूर्व विधायक उमेश चंद पांडे भाजपा में हुए शामिल। हम उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद से है जहां सपा में शामिल पूर्व विधायक उमेश पांडे का भारतीय जनता पार्टी में सदस्यता ग्रहण की है। वहीं कार्यकर्ताओं ने उनका फूलमाला पहनाकर स्वागत किया है, वहीं एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खिलाई है। मैंने उस दिन मन बनाया जब उनसे कहा इस बात को, उन्होंने कहा कि बड़ी लड़ाई जीतने के लिए कुछ वो करना पड़ता है। ठीक है, फिर मैंने नमस्कार किया और चल दिया। फिर मैं कुछ दिन और इंतजार किया। मेरा घर है, मेरा ब्लॉक है,
दो दो बार मेरा भाई ब्लॉक प्रमुख भाई भाभी ब्लॉक प्रमुख है, हमारा प्रधान है हमारे इस में, हम लोग क्या इस लायक नहीं कि 10-5 हज़ार वोट ट्रांसफर करा सकते हैं? ऐसी हैसियत नहीं है, हैसियत पता चल जाएगी 8 तारीख 5 को पड़ेगा तो पता चल जाएगा। मेरे भाइयों कहने का मतलब यह है, जहाँ मेरे भाई का हत्यारा रहेगा वहाँ उमेश पांडे कैसे रह सकता, उसका प्रचार कैसे कर सकता। तो मैंने यह सोच करके फैसला लिया कि आज जो देश में पूरे दुनिया में आदरणीय हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो डंका बज रहा है, उनके विकास के रास्ते पर विकास के रास्ते जो खुले हैं इसको देखते हुए, और उत्तर प्रदेश में जो माफिया गर्दी और दहशत गर्दी हुआ करती थी वो आज समापन की तरफ है। आज पूरा उत्तर प्रदेश अमन चैन की जिंदगी जी रहा है, जब चाहे कोई कहीं भी जा सकता है और विकास का सिंह। अच्छा नेताजी, चुनाव का समय ही चुनाव के समय क्यों याद आता है? अरे भाई हमेशा याद आता है, सत्ता उनकी थी, सरकार उनकी थी, हम लोग त्राईमाम त्राईमाम कर रहे थे। हमारे भाई की नहीं हत्या हुई है, कलाम पंचर बनाने वाले उसके लड़के की पंचर का पैसा मांगने के लिए उसकी कलाम की गोशी में हत्या की गई है। अध्यक्ष जी है कि नहीं, सच्चाई है कि नहीं, आप पता कर लीजिए। हमारे क्षेत्र मधुबन की एक लड़की के साथ बलात्कार करके उसको बोटी बोटी काट करके नदी में फेंकवाने का भी काम इसी शख्स ने किया। इसलिए मैंने जब मैं देखा कि हमारे नेता की नियत में खोट है, मैं रास्ता अपना बनाने का काम किया और भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता प्राप्त करने का। तो कार्रवाई नहीं हुई क्या अभी तक? भाई आजीवन कारावास की सजा हुई थी जी, सजा उन लोगों का आजीवन कारावास हुआ है, फिर आ गए हैं यहाँ पे, क्या आ गए घर पे, देखिए क्या होता है। तो आ गया हूँ, कब पता चलेगा क्या होता है, नहीं तो जीत रहे तो पता चलेगा 8 तारीख को जिताने के लिए। मनु अंसारी आ गए, कोई आवे इससे हम लोगों को पूरा प्रदेश ही आके लग गया है यहाँ पे। शिवपाल जी भी आए हुए हैं, सारे लोग आए हुए हैं, हम लोग भी लगेंगे। तो कार्रवाई के लिए क्या योगी जी से बात हुई क्या कुछ थी? सुधाकर सिंह पे कार्रवाई या उनके भतीजे भाई पे कार्रवाई के लिए बात हुई क्या योगी जी से? भाई हम कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, सरकार को अपनी व्यथा बताए, मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद मिला, कल मैं उनसे मिला, अपनी बात रखा, उन्होंने कहा कि आप तुरंत ज्वाइन करो पार्टी, हम आपके हर सुख दुख में आपके साथ हैं। क्या बुलडोजर चलेगा? बुलडोजर चलेगा उनके ऊपर? इसकी कोई बात नहीं हुई बुलडोजर चलने की जी, बुलडोजर चलने की कोई बात नहीं हुई, ये न्यायालय में मामला है, न्यायालय सजा दिया है तो न्यायालय से हम लड़ रहे हैं, न्यायालय जो सजा फिर देगा तो देखा जाएगा अभी क्या होता है। ये तो आपको खुद ही अंदाजा लग गया होगा कि क्या होने वाला है, जिसकी कोई दिशा और दशा है ही नहीं है, हर वहाँ पे कार्यकर्ता नहीं है कोई, वहाँ सभी लोग नेता हैं, कार्यकर्ता तो कोई है ही नहीं है।